अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जियो लॉन्च हो चुका है, उसके फायदे क्या हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे आई बटन पर जाके ये वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जियो मीट में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उसमें कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो कि वहाँ पर अवेलेबल हैं और सेटिंग में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन सब के बीच एक डिसअपॉइंटिंग करने वाली चीज़ है, वो ये है जो कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि जियो मीट है वो डिट्टो कॉपी दिखता है किसका, जूम एप्लीकेशन का। ऐसा लगता है कि सेम एप्लीकेशन ही, अगर आप दोनों ऐप को आमने सामने रखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा जियो मीट है कौन सा जूम ऐप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में बना है और हमें जूम अब यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें यूज़ करना है तो हम यूज़ करें जियो मीट, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल ही फ्री है और 100 पार्टिसिपेंट एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी 24 आवर्स एक बार में। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आप एक मीटिंग में लॉगिन रह सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप साइन अप करेंगे और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जियो मीट इंस्टॉल करना है ऐप को। अगर आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं तो आपको जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है जियो मीट और आपको ये आपको ऐप दिख जाएगा और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने भी इसको डाउनलोड कर लिया है, आइए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आप देखते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड जो इसका प्लेटफॉर्म है वो खुल जाता है और यहाँ पे आपको बॉटम साइड पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। पहला है ज्वाइन मीट का, मतलब ज्वाइन अ मीटिंग, आप मीटिंग को कैसे ज्वाइन करेंगे, साइन अप और साइन इन। तो अभी तक हमने इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर से, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपने मोबाइल नंबर से जो कि हमारी ईमेल आईडी है techiehelptips@gmail.com, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ और एग्री पे चेक करता हूँ। एग्री के चेक करने के बाद आप ऊपर साइड पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आपको दिखाता है वी सेंट एन ईमेल वेरीफाई योर अकाउंट। इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए टेकी हेल्प टिप्स जीमेल पे एक कॉन्फर्मेशन मेल भेजा गया है। तो आइए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अपने जीमेल के अकाउंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ईमेल इस वक्त आ चुका है, प्लीज एक्टिवेट योर जियो मीट अकाउंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ फिर से आप देख सकते हैं आपके पास एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड दीजिए, उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, जल्दी ही आपके सामने खुलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गया, यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पूछ रहा है, फिर से मैं एक बार अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना दे दिया है। एक चीज आप देख सकते हैं जो मैंने पासवर्ड दिया है, इस पासवर्ड में यहाँ बोल रहा है कि इंक्लूड बोथ अपर एंड लोअर केस, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है जिसकी वजह से ये हमारा हाईलाइटेड ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या कंटिन्यू का। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अपने पासवर्ड को चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं, कोई भी रेड दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये डल चुका है पासवर्ड, अब मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट इन्फो आता है, टेस्ट मीटिंग आता है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मीटिंग और गो माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये अभी ओपन है ब्राउजर पे। हम जाते हैं अपने जियो के ऐप पे जो हमारा है जियो मीट के नाम से। अब यहाँ पे हम आते हैं साइन इन पे और साइन इन पे आने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से हमने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। पासवर्ड यहाँ पे हम डालते हैं और इससे करते हैं साइन इन। आप देख सकते हैं जैसे हमने साइन इन किया यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिखता है, डिट्टो आपको एज इट इज प्लेटफॉर्म दिखता है जैसे कि आपको दिखता था जूम एप्लीकेशन में, सेम प्लेटफॉर्म ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू मीटिंग का, दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन का, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल का, चौथा ऑप्शन है स्क्रीन शेयर का। फिर भूल गए ना आप, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं तब भी मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आइए सबसे पहले हम सेटिंग के बारे में देख लेते हैं, सेटिंग में क्या है नया या फिर क्या ऐसी चीज है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे मकसूद उर्फी पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
पासवर्ड अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फोटो लगाना चाहता हूँ फोटो भी लगा सकता हूँ, डिस्प्ले नेम में मेरा यही दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मीटिंग पे, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने माइक्रोफोन को ऑलवेज म्यूट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब जब आप ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, नहीं तो वो हमेशा मोड पे म्यूट पे रहेगा। ऑलवेज टर्न ऑफ माई वीडियो, इसको भी अगर ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो कॉपी जो मीटिंग लिंक है उसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं वो भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा देख सकते हैं सेफ ड्राइविंग मोड भी ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऑन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पे, मीट चैट ऑप्शन पे। यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, शेड्यूल एंड स्क्रीन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप नई मीटिंग इनिशिएट करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे, शेड्यूल कैसे करेंगे और स्क्रीन को शेयर कैसे करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, जहाँ पे आपने सीखा कि किस तरीके से आप जियो मीट में अपना अकाउंट बनाएंगे और कौन सी सेटिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप न्यू मीटिंग इनिशिएट करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे, शेड्यूल कैसे करेंगे और अपनी स्क्रीन को शेयर कैसे करेंगे दूसरे के साथ। अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को पता चल सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं।